मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में आयोजित मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पहले दिन से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग आने लगते हैं, इसके बाद से लोग आते रहते हैं। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अभी से अपनी तैयारी कर ले। सुनिश्चित करें कि वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हो, वाहन स्टैंड पर प्रकाश एवं साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जाएं तथा मेले में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, मोबाइल शौचालय आदि की व्यवस्था करे तथा इसकी नियमित सफाई हो। नगर निगम मेला क्षेत्र में पर्याप्त अस्थायी एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाए। उन्होंने निर्देश दिया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग मेला क्षेत्र के सड़कों को ठीक करवाए। बिजली विभाग जर्जर तारों एवं पोल को ठीक कराए। मंडल आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग मेले के दौरान कैंप लगाए, आपूर्ति विभाग केरोसिन एवं खाद्यान्न का वितरण कराए, वन विभाग जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कराए। उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन मेले का लाइव प्रसारण कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि मेले के दौरान परिवहन विभाग बसों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था रखे, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान ले। उन्होंने निर्देश दिया कि अभी से अभियान चलाकर विभिन्न मोहल्लों में साफ सफाई कराया जाए। बैठक में DIG, SSP, जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो आपको इक्विपमेंट्स और ये सब का जरूरत पड़ेगा, तो वो GDA के माध्यम से भी और नगर निगम के माध्यम से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप चाहेंगे सर ये सब चीज आप खरीद करके दे दीजिए, वो हम खरीद करके दे सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर ये सब चीज हम ही खरीद लेंगे, हमको आप पेमेंट कर दीजिए, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। आप जितना जल्दी प्रस्ताव आप देंगे उतना जल्दी हम लोग अवस्थापन निधि का प्रक्रिया कम्प्लीट करा करके आपको हैंड ओवर। तो कोई भी गंदगी उस एरिया में ना रहे, तो अभी से ही एक स्पेशल ड्राइव करा करके आप करना वो रख लीजिए और कहाँ पे लोग ज्यादा फेंक रहे हैं और पूरा से चेक कर लीजिए। इसमें सर नगर निगम से एक पॉइंट जो भी आया था डिस्कस करते समय कि जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में खिचड़ी का, तो उसके लिए अगर हम बात कर लें कि उस खिचड़ी को केवल की मूर्ति में चढ़ाने के अलावा अगर हम कहीं कुछ कलेक्शन पॉइंट बना लें तो इधर उधर दिक्कत नहीं आती। बढ़िया डिजाइनदार कलेक्शन टाइप का कुछ रहे या फिर क्लासिक का बना, जैसा आजकल होता है बहुत मंदिरों में क्या किया है कि पहले जो हम लोगों ने क्या किया ये कोने में वो कर देते हैं कि केवल वहीं पर तेल लगा दीजिए, क्योंकि क्या है एक दो बार इंसिडेंट हो गया आग लग गया। महिला पुलिस की पर्याप्त मात्रा संख्या व्यवस्था महिला श्रद्धालु आती है। अब पोखरे में नाव जाल तैराकी पुलिस की तैनाती और मोटर बोट ट्यूब की व्यवस्था कई जगह पर रोकियाँ या पिकेट से बैरियर रखते हैं, वहाँ पर नाव तक पुलिस रहती है स्ट्रिक्टली कोर्ट में, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था। हर बार ये प्रॉब्लम आता है कहीं पे भी अलावा नहीं जलता है, ठीक है इट इज वो क्या है कहाँ पे एक जगह पे जलना शुरू जब हो जाता है तो फिर भीड़ इकट्ठा इतना जबरदस्त हो जाता है, ठीक है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोगों को पहले ही वन मोर प्रॉब्लम इज उसको वो बड़े बड़े पेड़ का वो काट काट करके लाने के समय में भी फिर वो आती है सर, उसमें लकड़ी कोयला जिसको डालेंगे तो वो फैलेगा नहीं सर, देखो 10-20 उस समय क्या है आपको पूरे जिले को मतलब पूरे शहर को भी देखना है, पूरे शहर के साथ आपको स्पेसिफिकली ये कप्तान साहब कह रहे थे जो थाने का फोर्स रहेगा, ठीक है महिला कॉन्स्टेबल्स रहेंगे वो सब भी रहेंगे, अब आपको तीनों एंगल से देखना पड़ेगा, एक तो शहर का अलग हो।